तीनों कलर के पेजेस पर 1-1 सेंटीमीटर के निशान लगाए हैं, जो इस तरीके से ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे। इसके बाद पेज को बीच में से हम और इन लाइनों को इस तरीके से मिला करके सीजर से कट करेंगे। कट करने के बाद हमें इस तरीके से सारे हमारे स्टेप्स स्ट्रिप्स मिल जाएंगे। सबसे पहले हम एक ऑरेंज स्ट्रिप को लेके उसमें ज्वाइन करने के लिए हल्का सा फेविकॉल लगाएंगे और उसको ज्वाइन कर देंगे। ओके, अब हम इसमें अंदर व्हाइट कलर की स्टेप डालेंगे, स्ट्रिप डालेंगे और उसको भी फेविकॉल से ज्वाइन करेंगे। अब इसमें वापस हम ऑरेंज कलर की स्ट्रिप डाल के उसको ज्वाइन करेंगे, यानी कि ऑरेंज व्हाइट ग्रीन, ऑरेंज व्हाइट ग्रीन इस तरीके से हम डालते रहेंगे और हमारी एक चेन तैयार हो जाएगी, जिसको कि हम बंधन वाल की तरह विंडो के चारों तरफ, दरवाजे के चारों तरफ उसको डेकोरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं।